एरीज, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, कौन सी गाइडेंस है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मेष राशि में है, एरीज साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। मैं एक और बात बता दूं गाइस, मेरे कैमरे में कोई दिक्कत चल रही है, ये कभी बहुत कम रोशनी हो जाएगी, कभी एकदम से रोशनी बढ़ जाएगी, तो सिर्फ मैसेजेस पर ध्यान दीजिएगा, उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो एरीज, ओ एरीज, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सी थ्री एपिसोड, कोई अपने अपने टूटे हुए दिल को जैसे संवारने में लगा हुआ है इस हफ्ते। जैसे आप अपना ज्यादा ध्यान जो है खुद पर फोकस रखेंगे, उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। एरीज, जितना भी पास्ट हर्ट है, जितने भी लोगों ने दर्द दिया है, करियर में अगर तरक्की नहीं हो रही है, उसके जो वो सारे नेगेटिव थॉट्स जो है ना, वो जैसे किसी को बहुत तंग कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो इस हफ्ते में आपको जो पहली गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने जैसे हीलिंग पर काम करना है, माने खुद को सवारने में काम स्पेंड करना है। ये जो टूटा हुआ दिल है किसी का, ये इसको हील कैसे अब किया जाएगा? ये जब तक तलवारें अंदर हैं, तब तक इसके जख्मों को आप नहीं भर सकते। जब तक ये तलवारें इस दिल के अंदर है ना, तब तक आप ये नहीं देख पाएंगे कि ये जख्म कितना गहरा है। उसे देखने के लिए इन तलवारों को पहले बाहर निकालना होगा। वो सारे थॉट्स जो कि आपको तंग कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें देखिए कि ये कौन से ऐसे थॉट हैं, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं। वो जो शख्स जिसने मुझे दर्द दिया, वो मेरा था ही नहीं, इसीलिए उसने मुझे दर्द दिया ना। जो आपके अपने होते हैं वो तो आपको दर्द नहीं देते। तो आपको इन ऐसे प्रश्न जो है वो अपने आप से करने होंगे और फिर अपनी हीलिंग शुरू करनी होगी। इस हफ्ते के इस रीडिंग के साथ हम नए मंथ में भी प्रवेश कर रहे हैं, नया मंथ भी शुरू हो रहा है, राइट? तो नया मंथ जो होता है वो न्यू बिगिनिंग्स का मंथ होता है। जैसे फुल मून, न्यू मून की ऊर्जा होती है ना, वैसे ही नए मंथ की भी, कि आप कैसी ऊर्जा का स्वागत करना चाहते हैं आप बताइए। आप उसी दर्द में इस पूरे महीने को गुजारना चाहते हैं जो कि आप पिछले दिनों से जूझ रहे हैं जिस दर्द से, या फिर आप कोई नई ऊर्जा चाहते हैं? नई ऊर्जा का जैसे स्वागत, अगर आपका दिल टूटा हो, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो कहने मात्र के कि हाँ मैं रेडी हूँ इस नई शुरुआत के लिए, उससे ही बहुत जैसे एक ऊर्जा महसूस होती है कि हाँ एटलीस्ट मैंने पहला कदम तो उठाया। आप में से कुछ लोग जैसे ऐसे शख्स के साथ जिसने किसी दूसरे शख्स की वजह से आपको छोड़ा है, उस शख्स को उसका कर्मा भी मिल सकता है। थ्री ऑफ सोर्स, ये जो दर्द होता है ना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दर्द नहीं देता जिसकी तरफ ये निशाना साधा गया है, ये वो सारे लोग जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होंगे, जितने भी लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होंगे जिनकी वजह से आपको दर्द मिला है, उनको भी कर्मा काटेगा इस हफ्ते। वो भी कोई सुकून की सांस नहीं लेंगे। हमारे पुराणों में लिखा है कि आप जैसे कर्म करते हैं, आप वैसा ही फल आपको मिलता है, आप वैसा ही भोगते हैं। तो उस शख्स को भी जिसने ये दर्द दिया है, उसकी तरफ ये जो तलवारें हैं वो जाएंगी। एरीज, थोड़ा सा अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा मेरी जान। आई डोंट नो, ये बूंदे मुझे आपके आंसू नजर आ रहे हैं, मुझे अब इमोशनल कर रहे हो आप। ये बूंदे देख रहे हैं, वो लिटरली किसी के आंसू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, वो आपको सिखाने जगाने के लिए ही होती हैं, कोई बात नहीं। टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, चलो कुछ दो तलवारें तो, उन तीन तलवारों में से दो तलवारें तो निकली, जैसे वो दो तलवारें जो है आपने निकाल ली, वो अब आपके हाथ में है, माने कि एक ही तलवार रह गई है जो कि इस दिल में अभी है। आधे से ज़्यादा तो हीलिंग कर ही ली है मेरे एरीज ने, वेरी गुड। तो इस हफ्ते की गाइडेंस, एक जो आखिरी तलवार, वो जो आखिरी नोक जो चुभी हुई है, उसको भी निकाल के बाहर निकाल देना। ये जो टू ऑफ सोर्ड्स है, ये दो तलवारें निकल चुकी हैं, एक ही बची है ना, और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मौजूद है, ये मून कार्ड के साथ। तो यहाँ पर किसी को अपने अंतर मन के सुनने की बहुत ज़रूरत है। अपने अंतर मन के जितनी सुनेंगे, लोगों के जितना कम सुनेंगे, उतना ही अच्छा होगा। सी, ऐसा होता है जब आप एनर्जीज को रीड करते हैं, ये कार्ड एक्चुअल में जब आप डिसीजंस लेने हो, आप फंसे हुए हो, कंफ्यूजन हो, उसके बारे में है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही ऑपोजिट ऊर्जा है। सॉरी गाइस, कैमरा बंद हो गया था, मुझे एक्चुअली अपने कैमरे को देखना होगा, आई डोंट नो ये क्यों इतनी दिक्कत दे रहा है मुझे।
तो हम बात कर रहे थे 3 episodes और 2 episodes की, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी हीलिंग ऑलरेडी कर ली है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस हफ्ते में आपको बस वो आखिरी तलवार बाहर निकालनी है और वो फाइनल गुड बाय जो है उस शख्स को कहना है कि बस। ये भी हो सकता है कि उस सिचुएशन के बाद आपका थोड़ा सा लिंक रहा और शख्स के साथ थोड़ी बहुत ही बात होती रही, लेकिन वो दर्द तो आपको मिलता रहा ना उसके दौरान। तो यहाँ पर गाइडेंस है कि उस दर्द को, अगर आप उस दर्द से अपना नाता तोड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आपको वो फाइनल गुड बाय जो है उस शख्स को कहनी होगी, ठीक है। और अपनी अपनी हायर सेल्फ के साथ माने मेडिटेशन भी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। दूसरों की कम सुने, अपनी ज्यादा सुने इस हफ्ते के दौरान एरीज। हायर जो हाई प्रिस्टेस कार्ड होता है वो इसी बारे में, हाई प्रिस्टेस किसी की नहीं सुनती, उसको खुद उसकी खुद की इतनी जागृति हुई है, उसकी चेतना इतनी जागृत है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की ही ऊर्जा में आपको रहना है। और इन साइकिक इनसाइट, सी मैंने हाई प्रिस्टेस की बात की और साइकिक एनर्जी, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। मैंने क्या कहा आपसे मेरी जान, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और स्पिरिट उस चीज पर जैसे मोहर लगा रही है, इससे क्लियर मैसेज आई डोंट नो क्या होगा आपके सामने शफल किए हैं। फ्रीडम, यू नो यहाँ पर फ्रीडम, ये बर्ड्स देख रहे हैं, ये बर्ड्स तो बहुत सारी फ्रीडम है, बहुत सारी फ्रीडम आपको देना चाहती है यूनिवर्स, और वह पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, ये सेल्फ लव है। लव इज योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स, अपने आप को प्यार देना सीखिए। इस हफ्ते आपको सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव पर बहुत ध्यान देना है। जितना हो सके, अगर धूप निकलती है जहां पर भी आप रहते हैं तो ज्यादा धूप सेकिए, जितनी हो सके ज्यादा धूप सेकिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और जैसे अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, वो जो अगेन यहाँ पर जैसे अपने हाथों से कोई, जैसे वो फूल जैसा किसी का दिल था जिसको तोड़ दिया गया बहुत ही गुस्से के साथ, बहुत ही नफरत के साथ, उसको जैसे दोबारा से हील किया जा रहा है, उसे ज़्यादा दोबारा से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जैसे ऐसे गाइडेंस जो है वो आपको दे रहे हैं। कितना पीला रंग है, धूप जैसा, सूरज जैसा, वो सूरज दोबारा उदय होना, वो जो रात थी उस रात से बाहर निकलना और सूरज उदय होना। आई मीन लव इज योर्स, आई मीन आप तो हैं ही प्यार के लिए ही बने हैं। वो जो शख्स था, वो उसकी बदकिस्मती है कि उसने ऐसे शख्स को खोया, आप जैसे शख्स को खोया, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। होप, अपनी आशा को मत छोड़िए। सही लोगों के साथ सही ही होता है अंत में, इस बात का यकीन कीजिए। यहाँ पर जैसे माइंड बॉडी स्पिरिट का भी मैसेज है, 3 dots देख रहे हैं, ये मुझे माइंड बॉडी स्पिरिट की और इशारा कर रहे हैं। तो जैसे अगेन अपने शारीरिक तौर पर अगर कोई कष्ट है उस पर ध्यान दीजिए इस हफ्ते, मानसिक तौर पर है तो उसको हील करने की कोशिश कीजिए, फॉरगिव करने की कोशिश कीजिए। फॉरगिवनेस बिल्कुल भी ईजी नहीं है, मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ आपके साथ, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो शुरू होना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक वक्त पर आकर आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सबको माफ करना ही पड़ता है, चाहे कुछ समय आप गुस्से में अपने जो है वो समय को निकाल लीजिए। एंसेस्टर्स की भी एनर्जी मौजूद है यहाँ पर, बड़े बुजुर्गों की जैसे कहते हैं। अपनी आंखों का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑडिन की अगर आप नजरें देखें तो इनकी नजरें में जैसे एक आंख में जैसे दिक्कत है, आप देख रहे हैं एक आंख इनकी जैसे शार्प है, तो यहाँ पर अपनी आंखों का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इतना भी मत रो लेना कि आंखें ही आपकी उस पर असर पड़ जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना एरीज इस हफ्ते, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और खुद को हील करेंगे, मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी आपकी मंथली रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।